अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं मौजूद हूँ अपनी एक नाल की साइड पे। ये घर हम बना रहे हैं लाहौर AWOT फेज़ टू में। ये इस घर की चौथी वीडियो है, यानी कि पार्ट फोर है। पिछली तीन वीडियोस मैंने बुनियादों के ऊपर बनाई थी। बुनियादों की चुनाई मुकम्मल हो चुकी है, बुनियादों की फिलिंग है जो, यानी कि घसू वगैरह भी डल चुका है। आज हम प्लिंथ बीम की शटरिंग करेंगे। प्लिंथ बीम का जो स्टील है वो भी बांधा जा चुका है। आप लोगों को प्लिंथ बीम के बारे में और आप लोगों को कॉलम भी खड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा कॉलम के बारे में भी बताएंगे कि प्लिंथ बीम हम कैसे बांध रहे हैं और प्लिंथ बीम बांधने का क्या मकसद है और कॉलम खड़े करने का क्या मकसद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा जी। तो आप देख सकते हैं, आप लोगों को प्लिंथ बीम का जो स्टील है वो बांधा हुआ नज़र आ रहा होगा। प्लिंथ बीम में जो टोटल हमने सरिये डाले हैं वो 8 सरिये डाले हैं, 4 सरिये नीचे, 4 सरिये ऊपर। 4 सूत्र का स्टील यूज़ किया है, यानी कि 4 सरिये नीचे, 4 सरिये ऊपर, 4 4 सूत्र के। और रिंग का जो डिस्टेंस है वो हमने 6 इंच का रखा है। सेंटर टू सेंटर 6 इंच डिस्टेंस है जो प्लिंथ बीम का रिंग बांधा गया हुआ है। अगर आप 6 सरिये भी प्लिंथ बीम में डाल लें तो आप लोग डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लिंथ बीम आप 6 सरिये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलम हमने बांधे हैं, ये कॉलम में 4 सरिये हैं, 4 सूत्र के, 8 इंच के डिस्टेंस पर हमारा जो वो रिंग है। कॉलम की जो चौड़ाई है वो 9 इंच बाय 9 इंच की भराई है कॉलम की। इसके अलावा प्लिंथ बीम है वो भी 9 इंच का है और इसकी भराई भी प्लिंथ बीम की 9 इंच ऊंचाई है और चौड़ाई भी 9 इंच की है। दीवार 9 इंच की, जहाँ पे दीवारें हैं सारी उधर हमने प्लिंथ बीम बांधा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक नाल की साइट है, इसकी बुनियादों से लेकर ही ये कॉलम खड़े हो रहे हैं। प्लिंथ बीम बांधने के बाद इसके कॉलम की भराई करेंगे हम। इसके कॉलम को फर्मे लगाकर उसके अंदर कंक्रीट फिल की जाएगी। कॉलमों की भराई मुकम्मल होने के बाद इसके अंदर जो चुनाई वर्क है, हमारा ब्रिक वर्क है, वो स्टार्ट किया जाएगा। सेमी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग है ये, कॉलमों पर भी लोड आना है, इसके अलावा दीवारों पर भी लोड आएगा। तो बहुत ही मुनफरिद किस्म का ये प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्फे वक्फे से इसकी जो वीडियोज़ है वो शेयर करते जाएंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि घर कैसे बनता है और जो मज़बूत घर है वो कैसे बनाया जाता है। इस तरह के घर का जो अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ मज़ाहमत है वो बहुत ज़्यादा है। आम घर की बनिस्बत जो हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी बनिस्बत अर्थक्वेक के ख़िलाफ़ इसकी जो मज़ाहमत है वो कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में आ जाता है। हालांकि टोटल वज़न कॉलमों पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये घर काफ़ी मज़बूत है, क्योंकि बुनियादों से लेकर जो कॉलम खड़े किए हैं ये स्ट्रक्चर को काफ़ी मज़बूती फ्राहम करते हैं। तो आप भी कोशिश करें कम से कम आपके चारों कॉर्नर्स पे या घर के अंदर 8 से 10 कॉलम ज़रूर होने चाहिए ताकि आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है वो मज़बूत रहे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस प्रोजेक्ट के अलावा मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।